हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज प्रज्ञा किचन पर हम गेहूं के आटे से खींचे तैयार करेंगे। खींचे और पापड़ के बगैर मारवाड़ी का खाना पूरा हो जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकते हैं। वो आज अपन घर में तैयार करेंगे झटपट, तो अपन बनाना शुरू करते हैं। अपन खींचे के लिए ढोकले तैयार करते हैं। आज अपन गेहूँ के खींचे बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर जो घर में रोटी का आटा होता है, रूटीन में अपन खाते हैं, वही आटा लिया है। ये वजन से 500 ग्राम में थोड़ा सा कम लिया, 2 चम्मच ये इसके अंदर डाल देते हैं। इसी के अंदर जो मैंने थोड़ा सा बचाया था 500 ग्राम में, उतना ही नाप से मैंने चावल का आटा लिया है, वो भी इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। बनाने के लिए सोडा चाहिए अपने को, तो सोडा मैंने यहाँ पर पापड़ खा लिया है। ये वजन से 15 ग्राम है, आधा किलो में 15 ग्राम लिया है, ये भी इसके अंदर डाल देते हैं। यह मैंने 15 ग्राम से हल्का सा ज़्यादा लिया है, ये भी इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। दोनों अच्छा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जीरा लिया है, ये 1 टेबल स्पून के बराबर है, ये भी इसमें मिक्स कर देते हैं। मैंने 1/2 टीस्पून अजवाइन लिया। अजवाइन डाइजेशन के लिए भी अच्छी है और किसी के गैस प्रॉब्लम है उसके लिए भी फ़ायदेमंद है, ये भी इसमें डाल देते हैं। मिक्स कर देते हैं। मैंने साइड बाय साइड पानी भी गर्म करने रख दिया है। जितना अपन ने आटा लिया है उसका डबल और थोड़ा सा ज़्यादा गर्म पानी रखे, अगर क्योंकि सबके आटे की पानी सूखने के अलग अलग होता है, कोई पानी ज़्यादा सूखता है कोई कम सूखता है, तो पानी पहले ही थोड़ा एक्स्ट्रा रख दे। अब इसके अंदर अपन एकदम बॉइल वाटर लेना है और थोड़ा थोड़ा डाल के अपन इसका बैटर तैयार करेंगे। एक किलो से थोड़ा पानी कम लगा, ये देख सकते हैं आपकी कंसिस्टेंसी। अगर बाद में टाइट होता है तो आप थोड़ा थोड़ा पानी डालकर भी इसके ढोकले तैयार कर सकते हैं। ये ऐसा ही होना चाहिए, आप देख सकते हैं। अब इसको ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देते हैं। इस खींचे के बैटर को रेस्ट करते हुए 15-20 मिनट हो चुके हैं, अब इसके अपन ढोकले तैयार करते हैं। ये मैंने थोड़ा बैटर एक बड़े बर्तन में लिया, अब इसको मत कर अपन ढोकले तैयार करेंगे। ये अपना मथने के बाद एकदम इस तरीके से स्मूथ हो गया है, क्योंकि अपने को इसके अंदर हल्की भी गांठ नहीं रखनी है, इसलिए मैंने हाथों से इसको मथा, फिर थोड़ा सा पानी लगा के इसको इस तरीके से बराबर कर। अब मैंने हाथों को थोड़ा पानी लगाया और इसका अब ढोकले तैयार करते हैं। बर्तन लिया जिसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला नीचे, फिर इसके अंदर अपन इकट्ठे करके रख लेते ढोकले सारे, इसी तरीके से तैयार करने। मैंने सारे ढोकले बनाकर तैयार कर लिए। मैंने यहाँ पर हाथ से इनको मथा है, आप चाहें तो इस तरीके का कोई लोटा है इससे पीछे के हिस्से पे थोड़ा सा ग्रीस करें और इससे इसको मथ सकते हैं। अब तैयार ढोकलों को अपन स्टीम करने रखते हैं। ये भगोने इसमें 3-4 गिलास पानी रखा है, बॉयल हो चुका है, और इस चलनी को देख सकते हैं आप, ऐसी चलनी है, इसको मैंने ऑयल से ग्रीस करा है। अब जो अपन ने ढोकले तैयार करे वो इसके अंदर स्टीम करने रख देते हैं। आप चाहें तो कुकर में भी तैयार कर सकते हैं। मैंने मक्की के ढोकले कुकर में ही तैयार करके बताया है, आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब इसको ढककर मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट के लिए स्टीम होने देते हैं। अपने ढोकले को स्टीम होते हुए 20-25 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आया, अपन ने मैदा नहीं लिया है सिर्फ आटा लिया है, तो बहुत सुंदर कलर आप चेक करें तो चम्मच से इस तरीके से इसको देखें और एकदम परफेक्ट जाल दिया जाए तो मतलब अपने ढोकले तैयार है। अभी ये ढोकले आप ऐसे भी खा सकते हैं, चाहे आप इसके खींचे बनाएं, बट आज अपन खींचे बनाएंगे, तो खींचे बनाना शुरू करते हैं। पर मैंने एक परात ली है और ये स्पैचुला लिया है जिसको मैंने ऑयल से ग्रीस करा है इन दोनों को। अब इसके अंदर जो अपने तैयार ढोकला है वो इसमें ले लेते हैं। ले लिए बर्तन में, इनको मथले के लिए इस तरीके ये रूठा ले रही हूँ, इसको भी अपन ऑयल से ग्रीस कर देते हैं। अब इसको इस तरीके से पकड़ें और इनको दबाएं, दबा के इस तरीके से इसको मत दें ताकि ये स्मूथ हो जाए, इसमें कोई भी लम्स ना रहे। अपना बैटर एकदम स्मूथ हो चुका है, अब अपन इसको इकट्ठा करके इसके बोल्स तैयार कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं एकदम स्मूथ करना है अपने को। अब मैंने हाथों के थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करा और एक बॉल जितना बड़ा आपको खींचा चाहिए उसके हिसाब से बॉल तैयार करें। अपने को जब ये बॉल बनावे खींचे के लिए इसमें एक भी सल नहीं रहना चाहिए, अगर सल रहेगा तो धूप में जब सूखेगा खींचा तो उसके अंदर क्रैक्स आ जाएंगे। अब अपन इसका खींचा तैयार करते हैं।
मैंने दो ढोकले से इतने बॉल्स तैयार, इनको हल्का हल्का अपने को ऑयल से ग्रीस करना है, क्योंकि अगर अपन बेलेंगे तो ये चिपक जाएंगे मशीन के। ये ग्रीस हो गया, आप अपना खिंचा तैयार करते हैं। खींचे बनाने के लिए इस तरीके की मशीन बाज़ार में इजीली अवेलेबल है, ये देख सकते हैं आप इस तरीके की। और इसको अपन खींचा रख के बेलेंगे, इसके लिए ये मोटी प्लास्टिक है शीट दो, इसके ऊपर अपन जो तैयार ये बॉल है वो रखते हैं, और वापस दूसरी शीट रख के हाथ से थोड़ा दबाएं और इसको नीचे रखें और इस तरीके से प्रेस करें। ये अपना खींचा बनकर तैयार हो चुका, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से अपन सारे खींचे तैयार कर लेंगे। ये हमने सारे खींचे बेल लिया, आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस हमने ऐसी रखी है। इसके एक के ऊपर एक जेट लगा दी हमने, अब इसको अपन धूप में सुखा देंगे, तेज धूप है, ये एक दो दिन में सूख जाएंगे। ये अपने सारे खींचे सूख कर तैयार हो गए। आधा किलो ढोकले से, जो अपन ने आधा किलो आटे से ढोकले बनाए थे, उससे 30 से 35 खींचे बने, और सूखने के बाद थोड़ा छोटा होता है, आप देख सकते हैं इसकी मोटाई इस तरीके की हो गई, और दो दिन लगे इसको सूखने में। मैंने यहाँ पर खींचे बनाए, आप चाहे तो इससे तलनी भी बना सकते हैं, जो भी कुछ भी तलनी की आपको अलग अलग शेप की बनाना है इससे बना सकते हैं। सेम प्रोसेस से आप चावल का मक्की के भी ढोकले बना के खींचे बना सकते हैं। मैं इसको आपको तल के और सेक के दिखाती हूँ। खींचे को तला और ये मैंने सेका, आप देख सकते हैं सेकने पे थोड़ा ही बड़ा होता है और तलने पे ये इतना बड़ा हो जाता है, साइज में डिफरेंस देखिए। अपन ने चावल का आटा डाला है तो इससे अच्छे सॉफ्ट बनते हैं और फूलते भी अच्छे, आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। और इनके ऊपर आप मसाला लगा के और चाट बना के भी खा सकते हैं, अपने गेहूं के बने हेल्दी बनाए हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट करके बताएं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते एक नई रेसिपी के साथ।